Hey friends, welcome back to the channel CS Study. मैं हूँ सोहेल, मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप इंडियन ज्योग्राफी. इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं भारत का मानसून या मानसूनी वर्षा पढ़ रहे हैं. तो मानसूनी वर्षा के हमने अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये दोनों शाखाएँ पढ़ ली कि इनसे कहाँ कहाँ वर्षा होती है. तो अब आ जाते हैं हम मानसून के लौटने पर आते हैं कि आज का जो टॉपिक है लौटता हुआ मानसून, या इंग्लिश में बोलेंगे इसे रिट्रीट ऑफ मानसून, मतलब मानसून का पीछे हटना. ठीक है, तो इसे बोलेंगे मानसून का पीछे हटना. कब शुरू होता है? 1 सितंबर से. ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है ये हमारी ग्लोब है, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और ये हो गई मकर रेखा. भारत यहाँ पर स्थित है. ठीक है, तो कर्क रेखा पर लंबवत कब चमक रहा था सूरज? 21 जून को चमक रहा था. और विषुवत रेखा पर कब चमक रहा है? 23 सितंबर को. 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर को चमक रहा. तो 21 जून को हमारा सूरज जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा था, जो कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से जा रही है. इसके बाद में 21 जून के बाद में 22 जून से ही हुआ क्या करता है, सूरज नीचे खसकना आरंभ कर देता है. किधर जाने की चेष्टा करता है वो? विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर. ठीक है, बीच में. तो 22 जून से वो धीरे धीरे नीचे खसकते यहाँ पर है. नीचे भूमध्य रेखा है, भारत के भी दक्षिण में भूमध्य रेखा है. तो वहाँ पर कब पहुँच जाता है? 23 सितंबर के आसपास. ठीक है, 23 सितंबर के आसपास पहुँच जाता है. तो इस ऐसा होने के साथ ही साथ क्या होता है, जो ITCZ मई के दिनों में, मई और जून के माह में, जो हमारा ITCZ कहाँ बना था? राजस्थान में, पश्चिमी भारत में बना था. तो वह भी क्या करता है? धीरे धीरे दक्षिण की ओर खसकना आरंभ करता है. जहाँ भी सूर्य की किरणें पड़ेगी और जहाँ भी वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो वहाँ पर ITCZ क्षेत्र बन जाता है. तो स्थलखंड जल्दी गर्म होते हैं, तो सूरज के पहुँचने से पहले ही भारत गर्म हो गया था. ठीक है, और इसी प्रकार से सूरज जब नीचे खसक जाता है तो स्थलखंड धीरे धीरे ठंडे होते हैं. तो सूरज के खसकने के बाद भी थोड़ी धीरे धीरे जो है हमारा ITCZ नीचे दक्षिण में जाता है. तो 1 सितंबर तक आते आते जो है हमारा ITCZ लगभग भारत को पूरा क्रॉस कर जाता है. तो इस कारण से क्या होता है कि सबसे पहले जो मानसूनी जो पवनें चल रही थी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो वो 1 सितंबर के आसपास अपने राजस्थान में बहना बंद कर देते. ठीक है, वह एसी बहने लगती है. एसी 1 सितंबर के आसपास जो है राजस्थान में जाना बंद कर देती. इस प्रकार का इसका मतलब क्या हुआ कि मानसून का जो निवर्तन है, या लौटता मानसून, या मानसून का निवर्तन भी बोलते हैं उसे. ठीक है, निवर्तन, मानसून निवर्तन, मानसून. तो मानसून का जो निवर्तन है सबसे पहले कहाँ से आरंभ होता है? राजस्थान से 1 सितंबर में. तो राजस्थान में मानसून पहुंचता भी सबसे पहले आखिरी में है और लौटता सबसे जल्दी है. ठीक है, याद करेंगे कि सबसे पहले मानसून का निवर्तन शुरू होता है राजस्थान से 1 सितंबर में. इस 1 सितंबर के बाद में धीरे धीरे जो मानसूनी हवाएं हैं फिर गुजरात को भी छोड़ती हैं, फिर ऐसी चलने लगती है. ठीक है, फिर 25 सितंबर के आसपास यहाँ से भी छोड़ती, यहाँ चलना भी छोड़ देती हैं, फिर ऐसी चलने लगती हैं. 15 अक्टूबर, 1 नवंबर और 15 नवंबर तक यह मानसूनी हवाएं चलना बंद हो जाती है. ओके, क्योंकि ITCZ अब पूरा नीचे खसक कर नीचे चला गया है. तो अब लो दाब, कम दाब का क्षेत्र नीचे बनते जाएगा. तो अब हवाएं कैसे चलेगी? ऐसी चलना आरंभ हो जाएगी उत्तर पूर्व की ओर. तो अब होता क्या है कि मानसूनी हवाएं जो चल रही थी बंगाल की खाड़ी से, अरब के सागर से चलने वाली, उन्होंने तो वर्षा कर दी. बंगाल की खाड़ी से जो चल रही थी तो इनमें नमी की मात्रा बहुत हो गई थी. ठीक है, और यह पूर्व में वर्षा कर रही थी और इधर से उत्तर में घुस जाती थी, उत्तर भारत में. ठीक है, तो मानसून जब पीछे हट रहा होता है तो क्या करती है ये, इनमें नमी की, इनको चलना होता है, ऐसा चलना रहता है. लेकिन अब मानसून पीछे हटता रहता है तो वहीं की वहीं चलने लगती है, आप वहीं थोड़ी कुछ ही दूरी पर चलने लगती है. इसी के साथ साथ क्या, मानसून जब पीछे हटता है तो हमारा उत्तर पूर्व मानसून प्रारंभ हो जाता है. ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून मतलब ठंड के दिनों में जो उत्तर पूर्व मानसून चलता है उसकी दिशा होती है इस तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम. ठीक है, अभी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चल रहा था,
तो मानसून सूरज के नीचे चमकने के कारण क्या होता है, नीचे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। इस कारण से उत्तरी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने से उत्तर में। मान लीजिए यहाँ पर ITCZ है, तो यह यहाँ की हवाओं को आकर्षित करेगा, इधर की हवा को आकर्षित करेगा। तो फेरेल के नियम से इनको कैसे चलना चाहिए, अपने दाईं ओर मुड़ के चलना चाहिए, तो वो ऐसी चलेगी, ठीक है। तो इसी कारण से क्या है, जब ITCZ भारत को छोड़कर नीचे दक्षिण में स्थापित हो जाता है, तो हवाएं कैसे चलती हैं, उत्तर से चलने लगती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। तो ये हवाएं जो है ठंडे क्षेत्र से चलती है, चाइना से चलती है, साइबेरिया से चलती है, इसलिए इनमें ठंडी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है भारत में, ठीक है। तो कहाँ थे हम, जब मानसून लौट रहा होता है या हवाएं जो हैं कम चलने लगती हैं, ठीक है, इनको छोड़कर फिर अरब सागर से एसी चलने लगती है और बंगाल की खाड़ी से भी एसी चलने लगती है। तो इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से जो चल रही है उनमें नमी की मात्रा तो है, अरब सागर से भी चल रही है उनमें भी नमी की मात्रा है, लेकिन बहुत कम वर्षा करती है, ठीक है, क्योंकि रास्ते में बहुत कम पहाड़ आते हैं। तो अरब सागर से जो चल रहे हैं उनमें नमी की मात्रा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जब लौट रहा मानसून होता है तो उत्तर पूर्व से भी हवाएं प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि नीचे ITCZ का क्षेत्र बन जाता है। उत्तर पूर्व से हवाएं चलने के कारण क्या होती है, बंगाल की खाड़ी की जो दक्षिण पश्चिम शाखा है, उत्तर पूर्व जो है मानसून के साथ मिल जाती है, मिक्सअप होकर फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, फिर टकराती है हमारे पश्चिमी तटीय मैदान से, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान में पूर्वी घाट से टकराएगी और कहाँ वर्षा करती है, उत्कल तट पर, उड़ीसा के उत्कल तट पर वर्षा करती है, आंध्र प्रदेश के रायल सीमा तट पर वर्षा करती है और कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा करती है, ठीक है। याद रखना कि लौटते मानसून द्वारा वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में भारी वर्षा करती है। लौटता मानसून इन तीन राज्यों में भारी वर्षा करता है, ओके। तो याद रखेंगे कि लौटता मानसून तीन राज्यों में भारी वर्षा करता है। इसी के साथ ही साथ उष्ण चक्रवात भी आते हैं बंगाल की खाड़ी में इसी समय में, सितंबर अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। क्यों आते हैं, कि हमें पता है बंगाल की खाड़ी तीनों ओर स्थलखंड से घिरी हुई, ठीक है। इधर म्यांमार है, यहाँ म्यांमार है, ये म्यांमार है, तीनों ओर से स्थलखंड से घिर गई, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी का जो है जल हो गया गर्म, क्योंकि हमें पता है स्थलखंड के मुकाबले, जमीन के मुकाबले समुद्र जो है वो धीरे से गर्म होते हैं और धीरे से ठंडे होते हैं। तो जब सूरज भारत को छोड़कर चले जाता है नीचे, तब जाकर हमारी बंगाल की खाड़ी का जल जो है गर्म होता है, तब तक धीरे धीरे गर्म हो रहा होता है। तो जब भारत का ITCZ क्षेत्र या कर्क रेखा को छोड़कर जब भूमध्य रेखा पर चला जाता है चमकने के लिए, तब जाकर हमारा बंगाल की खाड़ी का जल गर्म होने लगता है, तब तक ये जो है स्थलखंड ठंडा हो जाता है। जल जो है गर्म हो गया, उसके बाद में क्या है, ये तीनों ओर से स्थल से घिरा हुआ, मतलब जमीन से घिरा हुआ। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर एक आदर्श दशाएं बन जाती है चक्रवातों के लिए, ठीक है। चक्रवात मतलब साइक्लोन, तूफान, ऐसे निम्न दाब का एक क्षेत्र होता है बीच में और आसपास से हवाएं चलती है उस निम्न दाब के क्षेत्र की ओर, ठीक है। तो एक चक्रवात उठने लगते हैं, गर्म होने के कारण यहाँ पर उष्ण चक्रवात उठने लगते हैं। तो ये चक्रवात क्या करते हैं, इनकी दिशा कैसी होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, ठीक है। इन चक्रवातों की दिशा ऐसी होती है, ये क्यों होती है, पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो इन पर जो बल किस तरफ लगता है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, तो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण इन पर बल पीछे की ओर लगता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर लगता है। इस कारण से क्या है, उष्ण चक्रवात जो बनते हैं बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, यह सीधे जाकर कहाँ टकराते हैं, पश्चिम पूर्वी तटीय मैदान में टकराते हैं और यहाँ पर फिर से वर्षा करते हैं, ठीक है। तो लौटते मानसून के दौरान दो प्रकार से वर्षा होती है पूर्वी तटीय मैदान पर, एक तो लौटते मानसून जो है उत्तर पूर्वी मानसून से मिल जाता है तब वर्षा होती है, और दूसरा जो है उष्ण चक्रवातों के कारण होती है, उष्ण चक्रवात, ओके, चक्रवात मतलब साइक्लोन। तो लगभग ये हमारा हो गया लौटता मानसून, ओके। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा आज का लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि लौटता हुआ मानसून सबसे पहले कहाँ से लौटता है, तो राजस्थान से लौटता है, और कहाँ वर्षा होती है, ये तीन जगह पर वर्षा होती है, रायल सीमा तट आंध्र प्रदेश, उत्कल तट उड़ीसा और कोरोमंडल तट तमिलनाडु। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।